अंधेरी आरटीओ ने एक ऐसी कार पकड़ी है जिसकी कीमत तो करोड़ों में है, लेकिन उसका परमिट मामूली टैक्सी का है। मुंबई आरटीओ ने इसे जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंधेरी आरटीओ को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग कैब के परमिट पर लग्जरी लिमोजिन कार चला रहे हैं। जांच में पता चला कि ये कार मुंबई के एक फेमस 5-स्टार होटलों में सर्विस के लिए जाती है, जिसके बाद टीम ने होटल के बाहर इस कार को जब्त किया। इसकी जांच में पता चला कि असल में यह एक मैक्सी कैब है और इसे मॉडिफाई कर लिमोजिन में तब्दील किया गया है। अंधेरी आरटीओ स्पेशल फ्लाइंग स्क्वाड के इंस्पेक्टर आनंदराम वागले ने बताया कि हमें ये कार एक बड़े होटल के बाहर मिली। हमने जब ड्राइवर से पूछताछ के बाद दस्तावेजों की जांच की तो कई घालमेल सामने आया। कार की चेसिस 2007 की बनी है, लेकिन दिल्ली आरटीओ के डॉक्यूमेंट में 2012 दर्ज है और तो और कहीं भी लिमोजिन से जुड़े पेपर्स नहीं थे। पूछताछ में कार के मालिक ने बताया कि गाड़ी को 10 सीटर के नाम पर रजिस्टर कराया गया था, जबकि परमिट मैक्सी कैब के नाम पर है। एक इवेंट के लिए दिल्ली से आई थी ये कार। सूत्रों ने बताया कि इस गाड़ी को दिल्ली से एक इवेंट के लिए किराए पर लाया गया था और यहां गलत तरीके से चलाई जा रही थी। फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है। मॉडिफिकेशन क्या व्हीकल टेस्टिंग एजेंसी से अप्रूव था या नहीं, आरटीओ इस बात की भी जांच कर रहा है।